हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने आज क्या तैयार किया है, एक पकोड़ा मैंने तैयार किया है। तो सोचा मैंने आज तैयार किया है तो आप लोगों को भी दिखा लूँ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा बनता है ये पकोड़ा, मैंने बनाया है आज घर पर ही, आसानी से बन जाता है। ये एक गोभी का पकोड़ा है। तो चलिए आज देखते हैं कैसे आसानी से घर पर ही हम लोग गोभी का पकोड़ा बनाते हैं। क्या आप लोग पहले कभी बनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इधर कॉलीफ्लावर या गोभी को अच्छे से चॉप कर लिया है। आप आपका हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, मैंने इस तरह से बड़ा रखा है। तो इसको क्या करेंगे, पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर इसके अंदर कुछ कीड़ा है या कुछ भी है तो निकल आएगा। 5 मिनट के लिए मैंने इसको पानी पर रख दिया है, गुनगुना पानी पर रख कर इसको फिर 5 मिनट बाद मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, उबाल लेंगे। उबाल कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल कर फेंक देंगे, ताकि जो इसका स्मेल है वो नहीं रहेगा। जिसका गंदा स्मेल रहता है ना, एक वो नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से उबाल आने के बाद मैंने पानी को फेंक देना है। इस तरह से हम एक छन्नी की मदद से निकाल लेंगे गोभी को। निकाल कर एक प्लेट पर रख देंगे। देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया है सभी गोभी को। आप भी इस तरह से बना सकते घर पर आसानी से, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने निकाल लिया है। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक कटोरी पर एक कप, एक बड़े कप बेसन, तो मैंने इधर डाल दिया है 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। इस चम्मच से मैंने 3 से 4 चम्मच डाला है। और इस इधर डाल दिया है नमक और रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, सभी को एक साथ डालकर मैंने मिक्स कर लिया है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी डालेंगे। एक साथ ही ज़्यादा पानी मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इसका जो बैटर है, इस तरह से अच्छे से धीरे धीरे करके पानी डालने से अच्छा बैटर बन जाएगा। एक बार से अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना, आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और देखिए हमारा जो बैटर का कंसिस्टेंसी है इस तरह से रखना चाहिए। तो दूसरी तरफ मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इस पर डाल दिया है तेल। इस पर ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है, तो एक से दो चम्मच ही, बड़े चम्मच से आप लोग तेल डालिएगा। डालकर जो हमारा बैटर है, बैटर पर हम डाल देंगे कॉलीफ्लावर को या क्या बोलते हैं इसको, गोभी। इसको हम एक एक करके डीप करेंगे और फ्राइंग पैन पर एक एक करके छोड़ते जाएंगे। तो देखिए एक एक करके मैंने इस पर छोड़ दिया है। अगर कॉलीफ्लावर का बीच पे अगर गोभी दिख जाए ना, तो आप लोग चम्मच का मदद से थोड़ा थोड़ा करके बैटर इस तरह से डाल सकते हैं। नहीं तो बच्चों को पता चल जाएगा कि ये गोभी का पकौड़ा है। कोई कोई बच्चा है ना गोभी पसंद नहीं करते, या बहुत बड़ा आदमी भी गोभी को पसंद नहीं करते। तो इस तरह से पकौड़ा बनाकर आप लोग खिलाएंगे ना, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये गोभी का पकौड़ा है या कुछ है। इसीलिए बैटर से अच्छे से कोट करके इसको पकौड़ा बनाइए, तभी सभी को बहुत स्वादिष्ट बनेगा और सभी बहुत चाव से खाएगा। देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है, कितना अच्छा क्रिस्पी कलर आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से कलर आने के बाद हम लोग एक एक करके इसको पलट देंगे और निकाल लेंगे। मैंने धीमी आंच पर धीरे धीरे से इस तरह से बनाया। अगर आप लोग हाई फ्लेम पर डालेंगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए लो टू मीडियम पर हम लोग इसको पकौड़ा को तल लेंगे। तलने के बाद मैंने एक प्लेट पर इसको निकाल कर दूसरा जो सेकेंड बैच है उसको भी मैंने डाल दिया है। डालने के बाद सभी को एक साथ फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने सभी को निकाल लिया। अभी इसको गार्निश कर लेंगे। मैंने स्लाइस करके ओनियन को राउंड शेप पर काट लिया है, पतला पतला करके काट कर ऊपर से सजा दिया है, गार्निश कर लिया है मिर्च से, और जो तीखा वाला छोटा मिर्च है उस मिर्च को डाला है और प्याज को डाला। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बच्चों खाएंगे ना, बच्चों को मिर्च मत देना और टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस डालकर उन लोग को दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे और बड़े भी बहुत खुश होकर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लिया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।